ध्यान रखना है आपको। अगर आप नियत धारणाओं में पक्के हैं तो ऑफर कीजिए सामने से, ये सेवा हमें दीजिए, हम करेंगे इसको, ठीक है ना। और उसमें फिर बल जो हमारी बहने निमित्त है उनकी हाँ या ना का इंतजार कीजिए। अगर वो हाँ बोले तो ठीक, ना बोले तो भी शर्मा ठीक, क्योंकि ये दो गुनी बहनों के हाथ से बनता है। आज मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूं, जिनके त्याग और तपस्या की कहानी भगवान की डायरी में सोने के अक्षरों में लिखी जाएगी। जिन्हें आप ये सफेद वस्त्र धारी देखते हो ना, ये बहुत सम्मान के, बहुत रिस्पेक्ट के काबिल हैं। इन जैसा त्याग, इन जैसी तपस्या ना तो किसी ने की है ना कोई कर सकता है। जब खेलने खाने की उम्र थी, जब सजने सजाने की उम्र थी, जब शोक श्रृंगार की उम्र थी, तब इन्होंने अपना सारा घर संसार त्याग दिया। छोटी छोटी सी उम्र में सारे रंग छोड़कर केवल सफेद रंग को धारण कर लिया, अपना घर संसार त्याग कर भगवान को अपना संसार बना लिया। ऐसी हमारी बहनें जो रोते हुए उनके पास आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, जो भटकते हुए आते हैं और राह लेकर जाते हैं, जो प्रभु मिलन करा रही हैं, जो उसके बिछड़े लाल उससे मिला रही हैं, ऐसी पवित्र बहनों के हाथों से जिसका यादगार काम धेनु है, जिसका यादगार पूर्णा है, उनके हाथों से ये प्रभु प्रसाद बनता है। ये ब्रह्मचारिणी बहने प्रभु प्रेम में मगन होकर उस भोग को बनाती है, और जब झूम के ये भोग बनाती है तो इसकी खुशबू तीनों लोकों में फैलती है। देवता ये विचरण करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि हमारे नसीब में 56 प्रकार के भोग तो हैं, परंतु ये ब्रह्मा भोजन हमारे नसीब में नहीं है, तरसते हैं वो इसके लिए। वो कहते काश ये ब्रह्मा भोजन भी हमारे नसीब में होता, परंतु ये केवल आपके नसीब में है, देवताओं के लिए नहीं है। तो एक बार अपने लिए ताली तो बजाओ, आपके नसीब में है। अब ये जब भोग बनता है, भगवान को स्वीकार कराया जाता है, उसकी कृपा दृष्टि तो तभी से बरसनी शुरू हो जाती है जब मन में संकल्प आता है कि लगाना है, तभी से उसकी दृष्टि के पात्र बन जाते हैं हम। अब उसकी दृष्टि कैसी होगी, भगवान की दृष्टि को क्या बोला गया है, कृपा दृष्टि। इसमें केवल कृपा बनी होती है, वो पलनी शुरू हो जाती है। अब यदि पांच ब्राह्मणों को, पांच पंडितों को खिलाने से ग्रहचारी उतर सकती है, तो आप कैसे ब्राह्मण हो बताइए। माफ कीजिएगा मुझे, मैं सबके लिए तो नहीं कह रही हूं, लेकिन हां कुछ ब्राह्मणों के घरों में व्यसन प्रवेश हो चुके हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहे। पीछे हम महाबलेश्वर गए, वहां एक भाई मिला, उसने कहा बहन जी हम वैष्णव हैं, मेरे पिताजी कथावाचक थे, प्रसिद्ध करके कथा वाचते हैं। अभी उसे नया नया था, नशा बहुत था, ज्ञान में आया है, कहता बहन जी वैसे तो हम वैष्णव है पर रियलिटी ये है कि एक भी दिन खाली नहीं जाता जिस दिन हम अंडे से शुरुआत ना करते हो और नॉनवेज से समाप्ति ना करते हो। हमारे यहाँ अंडा भी रोज बनता है, नॉनवेज भी रोज बनता है। कश्मीर में गए, वहां बताया कुछ कश्मीरी पंडित ऐसे है जो नॉनवेज को खाते हैं, मेरा आश्चर्य लगा। अभी तो पंडित वहां बचे नहीं, वो थोड़े हैं, पर एक पंडित ही बता रहा था कि हम तो नहीं खाते पर कुछ पंडित ऐसे हैं जो शिवरात्रि को शिवलिंग पर भी मांस का भोग लगाते हैं।
जीवन मेरे व्यस्त चले गए, वो भी तामसिक हो गए, तामसिकता चली गई उनकी लाइफ में। अगर उनको खिलाने से ग्रहचारी उतर सकती है तो आप कैसे ब्राह्मण हो? सोच के देखिए, विचार करके देखिए, यदि यहाँ एक बाबा की पवित्र कुमारी केवल एक कन्या खड़ी हो जाए, ज्यादा नहीं कितनी, तो वो सौ सौ ब्राह्मणों में भारी पड़ जाती है। बाबा की एक पवित्र कन्या, एक तरफ सौ ब्राह्मण, एक तरफ एक कन्या, उससे भी बड़ी बात है। जो बाबा के पवित्र ब्रह्मचारी कुमार हैं, बैठे हैं कोई कुमार, बैठे हैं कोई, बहुत सारे बैठे हैं। अगर ये पवित्र कुमार मैदान में आ जाए तो 700-700 ब्राह्मणों पे भारी पड़ जाता है एक बाबा का कुमार। एक कुमार एक तरफ, 700 ब्राह्मण एक कुमार को खिला दो, माना 700 ब्राह्मणों को खिला दिया। और उससे भी बड़ी बात, आप सब गृहस्थी जो बैठे हो यहां पर, जिस चुनौती को हार कर डर कर ऋषि मुनि हिमालय की तरफ चले गए, जंगलों की तरफ चले गए, बीवी को विवाह बना करके, बच्चों को अनाथ बना करके, जिस चुनौती को उन्होंने असंभव मान लिया कि गर्भस्थ में पवित्र रहना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है, स्टैंप लगा दी थी उन्होंने, असंभव ही नहीं नामुमकिन है। संसार की ये सबसे बड़ी चुनौती, ये आप सबने स्वीकार की है, इस चुनौती को ललकारा है। एक ने नहीं, दो ने नहीं, दस ने नहीं, सौ ने नहीं, हजार ने नहीं, आज लाखों की अंदाज में हमारे पास ऐसे कपल हैं, ऐसे युगल हैं जो इस चुनौती को स्वीकार किए हुए हैं, घर ग्रस्त में रहते हैं, आग में रहते हैं लेकिन सेक लगने नहीं देते, कीचड़ में रहते हैं परंतु दाग लगने नहीं देते। ये सबसे बड़ी तपस्या की है उन्होंने। हमारे पास 25 साल का कपल भी मिल जाएगा, 35 साल का भी मिल जाएगा, 50 का भी मिल जाएगा, 60 और 90 का भी मिल जाएगा, जिसने अपने जीवन को पवित्र बना दिया है एक साथ रह करके, एक साथ रह करके। यही तो तपस्या है ऊपर वाले की। हमारे जैसी तपस्या कोई नहीं कर सकता, ना की है किसी ने। तू इस देह में रहे पर देह के वाहन से मुक्त रहे, ये कोई कम तपस्या है? शरीर में रहकर शरीर को भूल जा, कीचड़ में रहकर दाग बदलने दे, आग में रहकर सेक बदलने दे, ऐसी तपस्या कोई करके तो दिखाए। लेकिन आपने की है, आपने की है ये तपस्या। अगर ऐसे पवित्र दो गृहस्थी मैदान में आते हैं, दो पति पत्नी, जिसने अपने जीवन को कमल फूल के समान पवित्र बना लिया, कीचड़ में है परंतु कीचड़ लगने नहीं दे रहा, दो अगर मैदान में आ जाते हैं तो हजार ऋषि मुनियों पे भारी पड़ जाते हैं बाबा के दो युगल। एक हजार ऋषि मुनियों को खिलाया, दो पवित्र युगलों को खिलाया, बराबर पुण्य लगता है, बराबर पुण्य। पानीपत में एक जैन भाई हैं, वो बता रहे थे कि हर साल वो सेंटर के गृहस्थी भाई बहनों को इनवाइट करते हैं जो गर्भस्थ में रहकर पवित्र रह रहे हैं, कि साल में बार शाही भोजन करते हैं उनका। हमारी बहने भाई जाते हैं वहां भोजन बनाते हैं, उनके वो पांव धोता है, अभिवंदन करता है, सजाता है, श्रृंगार करता है, और अपने हाथ से वो शहर का बड़ा सेठ उन पवित्र युगलों को पूजता है, अपने हाथ से उन्हें भोजन कराता है। अभी भी इतनी मान्यता है पवित्र युगलों की, तो भगवान की शान है और भगवान की उस चुनौती को स्वीकार किया है जो आज तक किसी ने, तो अपने लिए तो ताली बजा लो माता भगवान। हम नहीं हो, एक एक ग्रेट है, एक एक महान है। अगर यहां खुद विष्णु खड़ा हो जाए आकर, तो वो बड़ी प्राउड से, बड़े
जीवन सच हो। अगर मां जगदम्बे साक्षात्कार कराते तो बड़े सर उठा करके कहे कि तुम ही तो मेरे पुत्र और पुत्री हो, जिन्हें शिव बड़ी शान से कहता है तुम ही तो मेरी संतान हो। इतनी महान आत्मा। अब आप कैसे ब्राह्मण है बताइए, आपके मुख में ऐसे पवित्र ब्राह्मणों के मुख में बस पर कितना है वो पोक से जलने हो और आप बस इतना फर्क है। लेकिन ऐसी पवित्र महान आत्माओं के मुख में जब वो भोग जाता है तो क्या होता है, एक ही झटकों में उन महान आत्माओं की जो दुआएं काम करती है वो चमत्कार करती है। तो चमत्कार फिर इतिहास बनते हैं, इस तरह का चमत्कार होता है। ठीक है ना। अब कैसे ब्राह्मण होगा ये बताओ, दुनिया के ब्राह्मणों का तो बता दिया ऐसे है, पर आप कैसे जो अपने आप को पक्का ब्राह्मण मानता हो कि मैं बिल्कुल पक्का ब्राह्मण हूं, आप खड़ा करो, कोई भाई खड़ा करो जी, आप बिल्कुल पक्के कितने साल से हो, इधर आ जाओ, जरा यहां पे आ जाओ, देख लो पक्के हो, पक्के हो, वहां जाओ। आपसे प्रश्न पूछूंगी मैं सबके सामने, आप मेरे को नहीं जानते ना, मैं आज आपसे पहली बार मिली हूं अभी अभी, राइट। आपकी जेल में भाई जी 5,000 रुपए है, आप अपने शहर से दूर कहीं जंगल में फंस गए, 3 दिनों में भटक रहे हो, आपके पेट में 3 दिन से अन्न नहीं गया है, भूख के मारे प्राण निकलने वाले हैं, ऐसी स्थिति हो गई है, आप भोजन को ढूंढते जा रहे हो, कहीं तो कुछ मिले, कहीं तो कुछ मिले, कहीं तो कुछ मिले, चलते चलते आप बाहर किसी गांव के कोने में पहुंचे, वहां आपने देखा कि प्याज के पकोड़े गरम गरम बन रहे हैं, जेब में 5,000 रुपए हैं, पेट में भूख भी लगी है, फिर दूसरी तरफ देखा कि मुर्गे की टांग करी जा रही है, क्या करोगे आप, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा क्या करोगे, क्योंकि आपके प्राण जाने वाले हैं, आपकी जेब में 5,000 रुपए है, आप खालोगे या बचाओगे, आप पक्के ब्राह्मण नहीं है। जो अपने आप को पक्का ब्राह्मण कहता है, मैंने पहले ही पूछा था जो पक्का है वो आइए, अगर आपकी जगह मैं होंगी ना तो धर्म तो करिए पर धर्म ना छोड़िए, मैं मर तो सकती हूं पर धर्म नहीं छोड़ सकती, हम धर्म तो मर सकते हैं पर धर्म नहीं छोड़ सकते, आप पक्के ब्राह्मणों में अभी आपको बहुत पुरुषार्थ करने की जरूरत है, क्योंकि भगवान के निश्चय नहीं, भगवान ने कहा तू मेरी जगत पे चल के देख, मैं धरती फाड़ दूंगा, आसमान चीर दूंगा, पर तुझे भूखा रहने नहीं दूंगा, तू एक बार विश्वास करके तो देख, तू मेरी जगत पे चल के तो देख, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं नहीं है, इसी विश्वास की जरूरत है, इसी विश्वास की जरूरत है, और यही विश्वास चमत्कार करते हैं लाइफ में, यही विश्वास चमत्कार करते हैं। दूसरी बात, भावना कैसी हो, कैसी हो भावना, जैसी हमारे बाबा की थी। एक माता बूढ़ी, उसने अपने घर में पपीते का पेड़ बोया, बहुत सारे सेवा केंद्र नहीं थे, गिने चुने कोई कोई सेवा केंद्र थे, पपीते का पेड़ बोया, उसने संकल्प किया कि इसका पहला फल मेरे बाबा को अपने हाथों से खिलाऊंगी। कभी हमारे मन में भी ये विचार आता है या नहीं, सीजन का जो पहला फल आता है हम इसको ऑफर करें सबसे पहले, और ये मेरी गारंटी है कि आपके पास सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जो फल आपने सीजन का सबसे पहले श्रद्धा से भगवान को ऑफर कर दिया वो खत्म नहीं होगा, इतनी बरकत करेगा
मैं और हमारी एक सखी थी, हम कॉलेज में जब जाते थे तो रिक्शा हमने करनी छोड़ दी, पैदल जाते थे, पैसा बचाते थे भंडारे के लिए, कुछ करेंगे आश्रम के लिए। बुधवार की शाम का नियम था मार्केट जाकर चुन चुन कर बढ़िया बढ़िया फ्रूट लेके आना गुरुवार की वास्ते, गुरुवार को भोग लगेगा, जो बढ़िया से बढ़िया फर्स्ट क्लास फल होते थे वो हम लेके आते थे। कई साल ये सिलसिला चला। इसी ही जन्म में जो भविष्य के लिए जमा हुआ वो तो हुआ, लेकिन इसी ही जन्म में आज मैं आपको बताती हूँ, आप जाइए मेरे रूम पे, जाइए भाई जी के रूम पे जाइए, इतने फल आते हैं कि हम दोनों हाथों से बांटे तो भी वो खत्म नहीं होते। इतने फल आते हैं देश विदेश से, बैंडिया भर भर के, यहां से वहां से, इधर से उधर से, खूब बांटे तो भी खत्म। ये है उसका रिटर्न। जो भविष्य में जमा हुआ वो तो हुआ, लेकिन वर्तमान में भी भरपूर है, वर्तमान में भी कमी नहीं है, क्योंकि वो भूखा केवल भावनाओं का है और भाड़ा भी केवल भावना का देता है। काम उतारने का, दिखाने का, स्वार्थ का भाड़ा नहीं मिलता। तो बात क्या कर रहे थे कि माता ने पेड़ बोया, संकल्प किया, पहला ही फल बाबा को स्वीकार कराओ के अपने हाथों से, बड़ी भावना वाली माता। आखिर वो दिन आया जब पेड़ पर 2.5 किलो का पपीता आया, फुल साइज, इतना मोटा, आधा पका था आधा कच्चा। माता ने अखबार में लपेटा और ट्रेन में रह गई, सीधा वो पहुंची। सुबह सुबह जब पहुंची तो बाबा गेट पर खड़े थे, बड़े प्रेम से कहा, बाबा ये पपीता आपके लिए लाई हूं, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से लाई हूं। जिस दिन बोया था पेड़ उसी दिन संकल्प कर लिया था अपने हाथों से बाबा को खिलाऊंगी। तो बाबा बड़े हैरान हो गए, बच्ची इतनी दूर से तो पपीता लेकर आई खास। कहा चलो बाबा के कमरे में चलो। दोनों चले गए, चाकू थाली आ गई, माता बाहर हो गई भोर, बाबा भी बाहर हो गए भोर। दोनों के आनंद की सीमा ने चरम सीमा पर आनंद है, वो झूम झूम के काट काट के खिला रही है और बाबा झूम झूम के वाह बच्ची वाह बच्ची वाह करता हुआ खा रहा है। दोनों की आनंद की चरम सीमा है। जब बदली दास जी ने देखा तो तुम थे और हम थे, वही सीन था जैसे बिल्ली ने अपने जूते देव श्री राम को खिलाए, जैसे वही सीन पर जो रहा था श्री कृष्ण ने विदुर के घर बैठ कर जमीन पर साग रोटी खाया। ऐसे ही वो झूम झूम के स्वाद ले लेकर के पपीता खा रहे थे। पूरा पपीता फिनिश हो गया, लास्ट में थोड़ा सा बचा। माता ने कहा बाबा ये थोड़ा सा मुझे भी खिला, लास्ट बचा है। बाबा ने कहा नहीं बची है तो तुम बाबा के लिए लाई हो ना, तुम्हें दूसरा कुछ खिला दे, ठीक है भाई थोड़ा सा बस इतना सा। बात पपीते की नहीं थी, बात थी बाबा के हाथ से खाली। बाबा ने बहुत मना किया, माता नहीं मानी, अधिकार से विवश कर दिया बाबा को। इतना सा पपीता बाबा ने जैसे ही माता के मुख में रखा, आपको विश्वास नहीं होगा, उस माता ने बड़ा खराब सा मुंह करा और उसने पपीते को हाथ में वापस ले लिया मुंह से बाहर। पपीता महा महा कड़वा था, अति कड़वा पपीता। अब वो माता तो बिलख बिलख के रोने लगी, ये मेरे हाथों से क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, इतना कड़वा पपीता बाबा मुस्कुराते हुए खा गए, आपके चेहरे पे एक सिकंद भी नहीं आई, कैसे खा गए, ये मेरे हाथों से क्या हो गया, मैंने टेस्ट क्यों नहीं किया पहले। उसे बड़ी शर्मिंदगी फील हो रही थी कि उन्होंने क्या कर दिया। ऐसे फूट फूट के बच्चों की तरह रोने लगी बाबा।
बाबा ने उसको बड़ी सांत्वना दी, उसके आंसू पोंछ कर दोनों हाथों में माता का मुंह कैसे पकड़ा और बड़े प्यार से दृष्टि देते हुए बाबा ने कहा, बच्ची पपीता किसने खाया है, पपीता कौन खा रहा था, किसने पपीता खाया है। फिर बाबा ने बड़े काम की बात कही कि बच्ची बाबा तो तुम्हारी मिश्री से भी मीठी भावनाओं का स्वाद ले ले करके एंजॉय कर रहा था, आनंदित हो रहा था। तुम्हारी भावनाएं तो मिश्री से भी मीठी थी बच्ची, बाबा तो उन्हें स्वाद ले रहा था। कितना भूखा है वो मेरी भावनाओं का। आ गए ना आंसू आपकी आंख में, मेरे भी आंख में ऐसे ही आए थे जब मनोहर दादी ने ये किस्सा सुनाया था, ऐसे ही आंसू बने थे आंख से। आज से मेरी ओर से मेरा भगवान भूखा नहीं सोएगा, मेरी भावनाएं उसको अर्पित होंगी हर दिन, सम्मान सहित मेरी भावनाएं पहुंचे उसे। मेरी ओर से मेरा भगवान भूखा नहीं सोएगा। अब भावना हो तो ऐसी जैसी शिव भक्त की है, वो तो बच्चा भी नहीं बाबा का, उसे ज्ञान भी नहीं, लेकिन शिव भक्त है। लेकिन ऐसा भक्त है जब जल भी पीता है तो शिव को अर्पित करके पीता है। हम तो जल 6-7 बार 10 बार पीते ना दिन में, कितना भगवान को याद करके पीते, उसका शुक्रिया करते हैं। कभी जल का शुक्रिया किया मैंने, तू मेरे गले की प्यास बुझाता है, तू जीवन दायिनी शक्ति है मेरे लिए, हे प्रकृति माँ तेरा लाख लाख शुक्रिया, तू है तो मैं हूं। कभी शुक्रिया माना मैंने उसका नहीं। लेकिन शिव भक्त जल भी शिव को अर्पित करके उसका शुक्रिया बोलकर देता है। कैसा होगा वो भक्त अपनी भावना से इस कदर बांध लिया शिव को। एक ही सुनवाई करता है, उम्र बहुत हो गई, घर में कोई बच्चा नहीं, हे भोलेनाथ हे शिव एक बच्चा मुझे मिल जाए। ऐसी सुनवाई हुई उस भक्त की जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके घर में उस भोलेनाथ ने एक ऐसी आत्मा को भेजा, जब वो आत्मा चलती थी तो हजारों कदम रुक जाते थे, जब मुस्कुराती थी तो हजारों की उदासी हर लेती थी, जहां वो खड़ी हो जाती थी खुशियों की बहार आ जाती थी। जो ब्राह्मण परिवार की जान थी, जो शिव की प्राण की शान थी, ऐसी हमारी दादी प्रकाशमयी की आत्मा उस शिव भक्त के घर में जाके जन्मी। तो अष्टरत्नों में अकेली नहीं जन्मी, अपने प्रकाश को साथ लेकर जन्मी। दादी के जन्म से पहले बाबा ने ये मैसेज दिया था कि वो कौन से घर में जा रही है और क्यों जा रही है, क्या रीजन है उसके पीछे। हालांकि भेद नहीं बोला कि कहां है, परंतु इतना मैसेज दे दिया था बाबा ने, जिसकी दृष्टि के लिए घंटों इंतजार करते थे, जो चलती फिरती फरिश्ता थी, पवित्रता की देवी थी, जो ममता मई थी, ऐसी हमारी दादी। अब भावना हो तो दादी जानकी जैसी। दादी जानकी को डॉक्टर ने बोल दिया कई साल पहले कि क्रिटिकल कंडीशन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रकाशमणि दादी ने सभी जोन इंचार्ज को बुला लिया अहमदाबाद में, दादी की हालत बहुत खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सभी जोन इंचार्ज अहमदाबाद में आ जाओ। ऐसी कंडीशन में जब डॉक्टर कह रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, दादी जानकी वहां की निमित्त रहने को बोलती, बहन में भोग लगा सकती हूँ क्या, हॉस्पिटल में दिया कहा कि भोग का अरेंज हो सकता है। उस बहन ने कहा हाँ दादी हो जाएगा, तो कहा कि जाओ कुछ अच्छा सा बाबा के लिए बना कर लाओ। दादी की आज तक ये मान्यता है मैं रुकी सुखी खाऊं चलेगा,
पर मेरे बाबा को वो बढ़िया से बढ़िया बनना चाहिए, लगना चाहिए। वो कहा कुछ बढ़िया सा बना के लाना, हो सके तो फूलों का हार भी ले आना। थोड़ी देर में बहुत का ख्याल सज के आ गया। दादी जानकी जमीन पर बैठी, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइन है। आधा घंटा जब डॉक्टर कह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे कंडीशन पे जमीन पर बैठकर उसने बाबा को आधा घंटा भोग लगाया और सत वर्ष आयु का वरदान पाया। आज तक दादी जानकी 103 साल की होने वाली है, जनवरी में अगले महीने हमारे सामने हैं, बिल्कुल स्वस्थ। एक ऐसी महिला पूरे विश्व में जो मोस्ट स्टेबल माइंड को रखती है, पूरे विश्व में यदि कोई है जिसके माइंड की रिसर्च हो चुकी है, वो केवल दादी जानकी है, जो हमारी है, आपकी है। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी महिला जो 100 साल की ज्यादा उम्र की होने के बाद भी इंटरनेशनल संस्था का सुचारू रूप से संचालन कर रही है, वो महिला हमारी दादी है, आपकी दादी है, जिसका नाम है जानकी दादी। इतनी ग्रेट, इतनी महान, इतनी पवित्र आत्मा है। उनकी भोग इस तरह स्वीकार हुआ कि या तो तभी जा रही थी या अभी कितनी हो गई, उनके साथ के सब धीरे धीरे चले गए, लेकिन वो अभी तक विराजमान है। और हम कहते हैं कि वो जब तक संगम रहे, दादी जी हमारी स्वस्थ रहे, हमारे बीच में रहे। आप सबसे एक बात कहना चाहूंगी, जो बाबा की मुरली सुनते हैं, नियम धारा में चलते हैं, 24 घंटे में एक बार अपने घर में बाबा को भोग जरूर लगाएं। अब तीनों टाइम नहीं लगा सकते, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक टाइम श्रद्धा से भगवान को भोग ऑफर करें आप, और फिर परिणाम देखे क्या होता है। लेकिन परिवार के लिए बना रही हूं, पति के लिए बना रही हूं, बच्चों के लिए नहीं। मैं ये भोग भगवान के लिए और उसके परिवार के लिए, भगवान के लिए प्रसाद बनाइए। जो भाई जी पर बताते हैं मैं परम पवित्र, जाप लग जाए आपके मन में, जब आप भोजन बनाने पहुंचो तो आपकी तपस्या का वक्त शुरू हो जाए। ना किसी से बात करेंगे, शांति में रहकर योग युक्त होकर बाबा को साथ लेकर, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये स्वमान का अभ्यास करते हुए भोजन बनाइए। बड़ी श्रद्धा से बाबा को भोग लगाइए एक टाइम जरूर। आपके घर में संस्कारी बच्चे बनेंगे, चित्त शांत होंगे, आपस में प्रेम बढ़ेगा, घर में बरकत होगी, भंडारे भरपूर होंगे, काल कंटक सब दूर होंगे। और ये बाबा का प्रॉमिस है, जिस घर में बाबा ने भोग स्वीकार किया हो रोज, पूरे 84 जन्म उसको खिलाने की ड्यूटी जिम्मेदारी ऊपर वाले की होगी। बिना साल में दुनिया भूखी मरे तो मरे, ओ भाई पक्के ब्राह्मण सुन लो मेरी बात, बिना साल में दुनिया भूखी मरे तो मरे, लेकिन जिस घर से भगवान ने भोग स्वीकार किया है, फिर मैं वही बात कहूंगी, चाहे वो आकाश से गिराए, चाहे धरती फाड़ के दे, आपके हाथ में दाल रोटी अंतिम श्वास तक होगी, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन भोग वो ही लगा सकता है अपने घर में जिसकी किचन में नॉनवेज ना बनता हो। अगर आपकी रसोई में नॉनवेज बनता है तो मां का भोग बाबा स्वीकार नहीं करेगा। फिर आप रो मटेरियल्स का भोग लगा सकते हैं,
ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, दूध बिना उबला, रसोई में ले जाना कि नहीं इसको।